नमस्कार साथियों, फाइनली बहुत बड़ी खुशखबरी आई है इंडिया पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के लिए, खासकर जीडीएस, एबीपीएम, बीपीएम और डाक सेवक के पद पर नौकरी करने वालों के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। जैसा कि ये आपको फाइनली नोटिस दिखाई दे रहा है, इसमें सब्जेक्ट के माध्यम से आप लोग साफ साफ देख पा रहे होंगे कि दो पहिया वाहन का यहाँ पर जिक्र किया गया है, यानी कि टू व्हीलर बाइक अब कहीं ना कहीं डाक विभाग के कर्मचारियों को दी जाएगी। आपको बता दूं, जितने भी डाक वितरण होते हैं तो ये जो कर्मचारी है इंडिया पोस्ट ऑफिस के जीडीएस कर्मचारी, खासकर एबीपीएम हुआ, तो ये क्या अपनी साइकिल से डाक वितरण करते हैं। इनको साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस का 180 रुपए भी मिलता है, लेकिन ये काफी टाइम से मांग चलती आ रही थी। डाक विभाग के कर्मचारी बार बार यही मांग उठा रहे थे कि हम साइकिल से जो डाक वितरण करते हैं उसमें देरी हो जाती है, बड़ी कठिनाइयां आती है, इसलिए हमें टू पहिया वाहन यानी कि आपको बाइक प्रोवाइड करवाई दी जाए। तो फाइनली अब डाक विभाग के कर्मचारियों को मोटरसाइकिल यानी कि बाइक उपलब्ध करवाई जाएगी और बाइक का जो खर्चा है, जो पेट्रोल वगैरह है, वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट देगा। तो ये बहुत बड़ी खुशी है। चलते हैं, पूरे नोटिस को पढ़ लीजिए। देखिए साथियों, वैसे तो ये बहुत बड़ा नोटिस है, लेकिन इसमें जो काम की बातें हैं उनको ही हम यहाँ पर करने वाले हैं। यहाँ पर डिलीवरी स्टाफ के लिए टू व्हीलर बाइक प्रोवाइड करवाने के बारे में साफ साफ जिक्र किया गया है। और आपको बता दूं, सेकंड नंबर पॉइंट को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा एक योजना लॉन्च की गई है, पीएम विश्वकर्मा योजना। तो पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत जो भी टूल किट्स आ रहे हैं उनका जो वजन है वो 15 किलो से 40 किलो है। अब 15 किलो से 40 किलो का जो वजन होता है उसको साइकिल पर डिलीवर्ड करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। आपको बता दूं, 99% साइकिल से डिलीवरी अब से पहले रही थी। तो 40 किलो का वजन और एक साइकिल पर लाद करके उसको पहुंचाना, इधर उधर डिलीवरी करना बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है। तो ये पीएम विश्वकर्मा स्कीम के तहत जो भारी सामान यहां पर डिलीवर्ड है, टूल किट्स आ रही है, उनसे कहीं ना कहीं ये मामला यहां पर उलझा है और उसी से ये बात उठी है। और अब ये पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत जितने भी 15 किलो से 40 किलो का टूल किट्स ले जाएंगे उनके लिए यहां पर ये टू व्हीलर बाइसिकल्स की जगह अब जो है बाइक प्रोवाइड करवाई जाएगी। साथियों नेक्स्ट, साथियों यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के जो जो कर्मचारी है उनके रिलेटेड बात की गई है कि जो डिलीवर करते हैं स्पीड पोस्ट का सामान, उनके लिए यह बाइक प्रोवाइड करवाई जाएगी। आपको बता दूं, यहाँ पर रूल्स फॉर पोस्टमैन फॉर पर्सनल विद वैलिड टू व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस। देखिए, पोस्टमैन को यहाँ पर टू व्हीलर वाला ड्राइविंग लाइसेंस प्रोवाइड होना चाहिए और उनको ये बनवाना जरूरी है। जितने भी स्पीड पोस्ट के हुआ, जितने भी आपके ऑर्डनरी वगैरह आर्टिकल्स वगैरह के जो सामान है उनकी डिलीवरी का जिक्र किया गया है। और यहाँ पर ये भी बोला गया है कि जो स्टाफ है यानी कि बाइसिकल का जो अलाउंसेज मिलता है वो 180 रुपये पर मंथ मिलता है। तो मेरे ख्याल से ये एक तो पोस्टमैन का जिक्र कर रहे हैं और हो सकता है ये एबीपीएम का करे, लेकिन कोई भी कैंडिडेट्स अगर इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर काम कर रहा है तो मुझे एक बार कॉमेंट करके अवश्य बताएं। मुझे लगता है साथियों ये पोस्टमैन की बातें कर रहे हैं। अगर हो सके एबीपीएम को भी बाइक प्रोवाइड करवा दी जाए तो बहुत अच्छी बात है। देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए दोस्तों, पूरा हम देख लेते हैं। यहां पर शायद नीचे ये भी दे रखा है कि किन किन एम्प्लॉयों को ये बाइक प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो यहां पर 6 नंबर पॉइंट में वो जानकारियां यहां पर दे रखी है, तो इनको हम एक बार अच्छे से देख लेते हैं। नेक्स्ट साथियों, यहां पर कौन कौन से स्टाफ को ये बाइक प्रोवाइड करवाई जाएगी, तो आप सुनिए, रेगुलर पोस्टमैन स्टाफ। अब रेगुलर पोस्टमैन स्टाफ क्या होता है, कहीं कहीं जो गांवों में होते हैं लोग बाग, वो क्या कहते हैं, जो डाक लाता है वो जीडीएस होता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि जीडीएस ही डाक का वितरण करे। यहां पर रेगुलर का मतलब होता है एक डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का पोस्टमैन। जीडीएस से पोस्टमैन के पद पर अगर नौकरी लेना चाहते हो तो पहले 5 साल जीडीएस की नौकरी करनी पड़ेगी, उसके बाद डिपार्टमेंटली भर्ती आएगी, उस डिपार्टमेंटली भर्ती का एग्जाम देना पड़ेगा, तब जाकर यहां पर रेगुलर बेसिस पर आप पोस्टमैन बनोगे। और पोस्टमैन का काम भी इधर उधर डाकों की डिलीवरी करना होता है। तो एक तो इसका जिक्र किया गया है। सेकंड नंबर पर साफ साफ यहां पर दे रखा है ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस, जीडीएस मेल कैरियर एमसी। देखिए दोस्तों, यहां पर एक तो जीडीएस का जो एमसी होता है इसका काम होता है डाक डिलीवर करना। ये क्या है, घर घर जाकर तो नहीं करता, लेकिन एक बीओ से एसओ, एचओ से एसओ, और आपको बता दूं एसओ से बीओ, इधर उधर ब्रांच के अंदर डाकों को पहुंचाता है इकट्ठा करके। इसके लिए कहीं ना कहीं जिक्र किया गया है साथियों।
नेक्स्ट यहाँ पर थर्ड नंबर पॉइंट कह रहा है जितने भी डिलीवर स्टाफ है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के उनके लिए, ठीक है, रेगुलर बेसिस पर, यानी कि सरकारी कर्मचारी। और फोर नंबर का पॉइंट है आउटसोर्स डिलीवरी स्टाफ। देखिए बहुत बार ऐसे होता है कि जो डाको की डिलीवरी इधर उधर घर पर पहुंचाई जाती है, तो हो सकता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट बेस का आदमी हो जो प्राइवेट सेक्टर से निकल कर आता हो, ये डाको की डिलीवरी करता हो, तो आउटसोर्स डिलीवरी स्टाफ उसे कहते हैं। तो इसके लिए भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। अब आपको मेरे ख्याल से साफ साफ पता चल गया है साथियों कि किस किस के बारे में ये आपका बाइक का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट साथियों, जैसे ही आप लोग यहां नीचे आओगे, यहां पर भी वो बातें कर रखी है, थोड़ा आप जान लीजिए। यहाँ पर जैसे कि दोस्तों डिस्टेंस ट्रेवल, यानी कि जो शहर है, बड़ी बड़ी सिटियां हैं, वहां पर जो डाक डिलीवरी होते हैं उनके बारे में थोड़ा टाइम का यहाँ पर बता रखा है कि कोई पैदल चलकर डाक देता है तो उसको 19 मिनट पर किलोमीटर का समय लगता है। अगर कोई बाइसिकल से डाक डिलीवरी करता है तो उसको टाइम लगता है 10 मिनट का। ठीक है, ये बिल्कुल वो एरिया है जो एक घना एरिया है, यानी कि शहरी क्षेत्र का है। और वाई टू व्हीलर बाइसिकल, यानी कि जो बाइक है उससे 5 मिनट लगता है पर किलोमीटर। ठीक है, एक जो सिटी है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर इन्होंने बता रखा है कि जो पैदल चलता है उसको 12 मिनट के समथिंग लग जाते हैं पर किलोमीटर, साइकिल से चलता है उसको 6 मिनट लग जाते हैं, और व्हीकल आपको बाइक वालों को 3 मिनट पर किलोमीटर लग जाता है। नेक्स्ट साथियों, यहां पर ये जो मामला है ना आपका टू व्हीलर व्हीकल वाला, इसमें बता देता हूं कि 2 साल से चल रहा है, लेकिन फाइनली अब इसमें जो पॉलिसी है, गाइडलाइंस है, वो जारी कर दी गई है और फाइनली वो मोहर भी लग चुकी है कि सब कुछ यहाँ पर अलाउंसेज वगैरह जो है मिलना शुरू हो जाएगा। और ये गाइडलाइंस जो बनाई गई है, हर 2 साल में इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हो सकता है, ठीक है, ये बोल रखा है। बाकी जो आपको ये अलग से सैलरी के अलावा अलाउंसेज वगैरह मिलेगा, आपको बता देता हूं कि डिलीवरी जितने भी स्टाफ है, डिलीवरी वाले जो डिलीवरी करते हैं उनको ये अलाउंसेज 15 नवंबर 2024 से ही शुरू हो चुका है। तो फाइनली बहुत बड़ी खुशी है उन डिलीवरी स्टाफ के लिए, चाहे वो GDS हो, चाहे वो पोस्टमैन हो, चाहे वो अदर सोर्स से हो, उनके लिए यहाँ पर 15 नवंबर 2024 से वो सारी गाइडलाइंस बना दी गई है और सारा वो अलाउंसेस वगैरह सैलरी के अलावा हर महीने आएगा और अप्रूवल ये सेक्रेटरी के द्वारा दे दिया गया है साथियों। नेक्स्ट साथियों, यहाँ पर जो गाइडलाइंस है वो सब बना दी गई है। नीचे हम जैसे ही आएंगे और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है तो वो देख लेते हैं। यहाँ पर साथियों इन्होंने साफ साफ बोल रखा है कि जितने भी डिलीवरी स्टाफ है, जैसे कि पोस्टमैन वगैरह, तो उनको जो ये मिलेगा चार्जेस बता देता हूँ कि अगर किसी की बाइक है वो 40 का एवरेज दे रही है तो उसके हिसाब से ये चार्जेस कुछ मिलेगा। आपको बता दूं कि बाइक खुद को यहाँ पर खरीदनी पड़ेगी और एक बाइक का जो डॉक्यूमेंट्स है साथियों पर्सनल खुद के नाम पर होना चाहिए, उसका बीमा वगैरह सब कुछ बाइक प्रोवाइड नहीं करवाई जाएगी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा। ओनली आपको पर किलोमीटर के हिसाब से कुछ पैसा दिया जाएगा, आपका बाइक एवरेज ठीक से दे रहा है उस कंडीशन में एक बार आप लोग इस चीज को फोकस कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट साथियों, यहाँ पर अब दोबारा से फ्लैश में एक बार कह देता हूँ कि आजकल जितने भी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के कर्मचारी है, चाहे पोस्टमैन हो वो भी डाको की डिलीवरियां कर रहे हैं, और GDS का स्टाफ हो वो भी डाको की डिलीवरी करता है, और 99 जो है पैदल तो कोई नहीं चलता या तो बाइक से ही चलता है, तो अब बाइक का जो खर्चा है वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट उठाएगा पेट्रोल वगैरह का। और एक बार आप इसको पढ़ लेना क्योंकि ये बहुत बड़ा है, अभी मैं पूरी एक एक पॉइंट बताने लगा तो मेरे ख्याल से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप बोरिंग महसूस करोगे। जो काम की बातें थी वो मैंने आपको फाइनली बता दी कि अब जितने भी डिलीवर स्टाफ है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के, इंडिया पोस्ट ऑफिस के, उनको बाइक का चार्जेस मिलेगा, पेट्रोल वगैरह का खर्चा मिलेगा, और इसका नोटिस फाइनली गाइडलाइंस वो बना दी गई है, और ये बहुत बड़ी खुशी है आपके लिए। ये सारे अलाउंसेस वगैरह अगले महीने से ही शुरू होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जानकारी कैसी लगी, एक बार इस नोटिफिकेशन को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करें ताकि आपको खुद को भी पता चल जाए कि कैसा ये नोटिफिकेशन है, पूरी जानकारी एक बार खुद से आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर इसको अपलोड करवा रहा हूँ, और जानकारी पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। जय हिंद, जय भारत।